हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी का रनवे पर। आज की इस वीडियो में हम आपको गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना डियर, यह ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के नंबर पर ही अप्लाई होगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमें 32 गुणे 23 करना है, तो यदि हम इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं तो इसमें हमें समय ज्यादा लग जाएगा। आइए इसे हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए दोस्तों, आजकल का जमाना ट्रिक का है, यानी कि हमें मेहनत के साथ जो है स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। जैसे ऊपर 2 डिजिट है ना, तो हम यहाँ एक एक डिजिट बनाते हैं इस तरीके से, एक डिजिट इस तरीके से, और नीचे भी 2 डिजिट है तो इस तरीके से हम एक नीचे भी 2 डिजिट कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम इस डिजिट का गुणा इसमें करते हैं इस तरीके से, ठीक है। पहले स्टेप में हम इसका गुणा इसमें करते हैं। अब सेकेंड स्टेप जो हमारा काम करेगा, इसमें हम तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस डिजिट का जो है गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें कर लेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब आइए जो है इसको करके हम देखते हैं और एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखो, मैंने पहले स्टेप में बताया कि इस डिजिट का गुणा इसमें करना है, तो कर लो 3 दूनी का 6, तो यहां लिख लीजिए 6, ठीक है, ऐसे 6 लिख लो। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था कि तिरछा तिरछा गुणा करना था, यानी कि इसका इसमें इसका इसमें, तो हम यहां अप्लाई करते हैं। तो पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 3 का 9 ना, इसके बाद हम यहाँ 9 लिख लेते हैं। इसके बाद फिर से इसका गुणा इसमें कर लो, 2 2 का 4, तो हम इसे जोड़ लेते हैं, 9 4 13। तो 13 का यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम 13 का 3 यहाँ लिखेंगे और हासिल में 1 हो जाएगा। अब फिर से मैंने क्या बताया था, इसका गुणा इसमें करना है, तो कर लो 2 3 का 6, हासिल वाला 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप इसे करके भी देख सकते हो, इस मतलब नॉर्मल तरीके से भी करोगे तो यही आंसर आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये सब सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। आपको और भी कम समय लगेगा, बस आप एक बार इसे समझ जाएंगे कैसे। देखो, पहले मैंने इसका गुणा इसमें किया, 3 2 6, फिर 3 3 का 9, 2 2 4, यानी कि 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल में 1 हो गया, फिर से 3 2 का 6, हासिल वाले 1 कितना हो गया, 7 हो गया। हमारा आंसर आ गया ना, 736। अब आइए क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे हमें 35 गुणे 25 करना है, तो इसे हम एक ही लाइन में इसका आंसर लाएंगे। पहले स्टेप में मैंने क्या समझाया था, इसका गुणा इसमें करना है, यानी कि इसका गुणा इसमें, 5 5 का 25, 25 का 5 हासिल में हो गया 2, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि इसका तिरछा तिरछा गुणा करना है, यानी कि इसका तिरछा, तो 5 3 का 15 यहाँ लिख लो 15, और इसके बाद 2 5 का 10 यहाँ लिख लो 10। अब सबको जोड़ दो, यानी कि 5 2 7, 1 1 2 27 आ गया, यानी कि 27 का 7 हासिल में क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना है कि इस डिजिट का गुणा इसमें कर लेना है, यानी कि 2 3 का 6, हासिल वाला 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 875। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, इससे क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा कंपटीशन एग्जामों में और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं राहुल विनम्रता के साथ लेता हूं आपसे अलविदा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।